दोस्तों आप सभी लोग जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल मीत तो जरूर देख ही रहे होंगे, जिसकी कहानी और नजर आ रहे कलाकारों के एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। और उन्हीं में से एक कलाकार हैं अभिनेत्री सोनिका हांडा, जो बबीता का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं और बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेत्री सोनिका हांडा के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मीत सीरियल में बबीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सोनिका हांडा एक सिक्किम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल चार सदस्य हैं, जिनमें ये इनके माता पिता और हस्बैंड शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके पिता के बारे में। तो इनके पिता पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आज अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं। इसी के साथ ही ये अपनी बेटी सोनिका हांडा के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, जैसा कि आप इन एक दो तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। पिता के बाद बात की जाए इनकी माता के बारे में, तो इनकी माता लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं, जिसके चलते आप इनकी कुछ तस्वीरें ही देख सकते हैं। आपको बता दें कि इनकी माता एक हाउसवाइफ है जो अपने घर और परिवार को काफ़ी अच्छे से संभालती हैं। माता पिता के बाद बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इन्होंने साल 2012 में मेहुल रुपारेलिया से शादी कर ली थी और जिनके साथ ये वर्तमान में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। आपको बता दें कि इनके पति पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और आज अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। अब जब इनकी शादी हो चुकी है तो इनकी फैमिली में ससुराल वाली फैमिली भी शामिल हो चुकी है, पर अफसोस इनके सास ससुर लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं, जिसके चलते आप इनकी एक भी तस्वीर इंटरनेट पर नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभिनेत्री सोनिका हांडा के रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।